प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिकली ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ब्रोमिनेशन। ये आप जानते हैं कि ब्रोमीन एक हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? 7 ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो कि हेलोजन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन की किस तरह की रिएक्शन होगी? मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन कैसी रिएक्शन है? यह एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? AES, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो मैं देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन क्या होगा? ब्रोमोनियम आयन। क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे? ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन, तो ब्रोमोनियम आयन कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, मतलब ब्रोमोनियम आयन कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे कैसे लेंगे हम? FeBr3, पेरिब्रोमाइन। FeBr3 के केस में क्या होगा? ये बना लेगा ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके FeBr4 टेट्राब्रोमोफेरेट आयन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है और हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। यहाँ पर बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल Br+ ब्रोमोनियम आयन। ये जो ब्रोमोनियम आयन है यार, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये रिएक्शन की दो स्टेप के अंदर आपको पता है। स्टेप 1 दो स्टेप होता है, ठीक है, दो स्टेप होता है। इसमें क्या होगा? अटैक ऑफ ब्रोमोनियम आयन। कैसे होगा? ये सिंपल है, ये बेंजीन है, इस पर ब्रोमोनियम आयन अटैक करो, यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब अपना वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिंपल है, बन जाएगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर हम करेगा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये तो ऐसे कुछ लिखना ही है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इधर जम कर रहा है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे कुछ रहेगा, और ये बॉन्ड इधर जम कर रहा है बॉन्ड आ जाएगा। अब एक बार स्ट्रक्चर बना दूंगा, अब पॉजिटिव चार्ज इधर है, न्यूट्रलाइज करने के लिए जम करेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ गया पॉजिटिव चार्ज एच ई, ठीक है ना। कुल मिला के ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए, रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर। यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल रही है, 1, 2 एंड 3। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होता है? स्टेप टू के अंदर क्या होगा? दिस इज फास्ट स्टेप एंड रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन का हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ लिखी है, इसमें आप लिखो स्ट्रक्चर है प्लस एच डी। अब इलेक्ट्रो ये अपने सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, क्या बन जाएगा? प्लस एच प्रोटोन। इसका नाम क्या है? ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम है इसका? ब्रोमो बेंजीन। कुल मिला के जो मैग्नेशियम हेलोजिनेशन है उसने आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट किया है ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हुई, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 के अंदर ब्रोमोनियम आयन ने अटैक किया, ठीक है, पहले ब्रोमोनियम आयन बना, ब्रोमोनियम आयन ने फिर अटैक किया, ये कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स मीन्स ये इंटरमीडिएट स्टेज है जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर बनता है। फिर स्टेप 2 के अंदर क्या होगा? आपका ब्रोमोबेंजीन जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, प्रोटोन रिमूव हो जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पे ऑप्टेन होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।